और ये देखिए, चटपटे मसालेदार आलू छोले की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है और देखने में लग रही है ना बिल्कुल हलवाई जैसे। आप इसे पराठे और पूरी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आलू छोले की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आज आपके साथ आलू छोले की चटपटी मसालेदार सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए देखते हैं आलू छोले की सब्जी बनाने में हमें किन चीजों की जरूरत होगी। आलू छोले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कप छोले लिए हैं और मैंने इन्हें 1 रात के लिए पानी में भिगो कर रख लिया है और इसके बाद इसे साफ पानी से धो लिया है। और यह है 2 से 3 प्याज, इसकी मैंने प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है। और यह है 2 टमाटर, इसकी भी मैंने प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है। और यह है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और यह है 2 उबले हुए आलू। और मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है ये है खड़े मसाले, और यह है हींग 1 पिंच, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और नमक 1 चम्मच। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है छोला मसाला और ये गरम मसाला। तो आइए आलू छोले की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। आलू छोले की सब्जी बनाने के लिए हम ये छोले हैं इसे उबाल लेंगे पहले। इसे कुकर में डाल देते हैं और इसमें डालेंगे अब पानी। पानी छोले से 1 इंच ऊपर ही रखेंगे, ये देखिए। और अब इसमें डाल देते हैं नमक, हल्दी पाउडर और यह है 4 लौंग और यह है काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची और यह 1 पिंच खाने का सोडा। और अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 4 से 5 सीटी लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे 10 मिनट तक। और ये देखिए छोले हैं जो मैंने उबाल लिए हैं और इन्हें बाउल में निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से छोले बॉईल हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और ये गर्म हो चुका है। और इसमें अब डाल देते हैं सबसे पहले जीरा और ये है खड़े मसाले। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग और थोड़ा सा चला लेंगे मसालों को। और अब इसमें डाल देते हैं प्याज का पेस्ट और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करना है और लगातार चलाते हुए अब इसमें मिलाएंगे टमाटर की प्यूरी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसमें मिलाएंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और इसके बाद इसमें डालेंगे नमक। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे ढककर पकने देंगे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए प्याज और टमाटर को भूनते हुए मुझे लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। और अब इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसके बाद इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे धीमी आंच पर। और ये देखिए मसाले को भूनते हुए मुझे लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ग्रेवी में से ऑयल भी अलग हो गया है।
और अब इसमें डाल देते हैं बॉईल किए हुए छोले। और अब इसमें मिलाएंगे बॉईल किए हुए आलू और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें मिलाएंगे आधा ग्लास पानी और पानी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे ढककर पकने देंगे एक उबाल आने तक। और ये देखिए आलू छोले की सब्जी को पकाते हुए मुझे लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और ये बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं ये देखिए। और अब इसमें मिलाएंगे गरम मसाला और ये छोले मसाला और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए स्वादिष्ट चटपटी मसालेदार आलू छोले की सब्जी बनकर तैयार है। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए स्वादिष्ट और चटपटी आलू छोले की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।